बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मज़े के कुछ रेडी होने वाले वेजी नगेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलें अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने सॉस पैन में पानी डाल के उसको उबलने के लिए रख दिया था। तो ये पानी उबल रहा है, तो अभी इसमें मिक्स वेजिटेबल्स जो कि मैंने फ्रोजन वाले यूज़ किए हैं, जिसमें मटर भी हैं, गाजर भी हैं और गोभी भी है, तो इनको मैं इसमें डाल देती हूँ यहाँ तक कि ये अच्छी कुक हो जाएंगी। तो फिर हम इसको निकालेंगे। वेजिटेबल हमारी अच्छी तरह से उबल रही हैं, तो जब ये प्रॉपरली कुक हो जाएंगी तो फिर हम इसको उतार लेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे जो वेजिटेबल्स का पानी है वो तकरीबन ड्राई हो गया, और वेजिटेबल्स भी हमारी जो है, जैसे मटर और गोभी और गाजरें, ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अभी हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और फिर हम इनको चॉप कर लेंगे या मैश कर लेंगे। अभी हम इनको ठंडा होने देते हैं रूम टेम्परेचर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे देखें मैंने जो वेजिटेबल्स हैं वो बॉईल करके इसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया था। तो अभी इसको मैंने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा मैश करेंगे मैशर के साथ, और बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। या मैंने बाइंडिंग एजेंट के लिए मैंने यूज़ किया प्लेन फ्लावर 2 टेबल स्पून, और जो स्पाइसेस हैं उसमें नमक, क्यूमन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर का पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं। इसमें रेड ग्रीन चिली चॉप की हुई ली है और कोरिएंडर जो चॉप किया हुआ है, और ब्रेड क्रम्स मैंने यूज़ किए हैं 2 ब्रेड स्लाइसेस के। तो अभी हम सबसे पहले इसको मैश कर लेंगे। तो जो हमारे मटर अभी अच्छी तरह से नहीं पीसे हुए लग रहे, तो वो अच्छी तरह से थोड़ा मैश हो जाएंगे। तो फिर हम इनके वेजी नगेट्स प्रिपेयर करते हैं। देखिए मैंने इनको अच्छी तरह से मैश कर लिया हुआ, तो इसमें बाकी सारे स्पाइसेस ऐड कर देते हैं और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी जो स्पाइसेस हैं वो, और इसमें जो बर्निंग एजेंट है वो ब्रेड क्रम्स, धनिया और ग्रीन चिली। अब ये सारों को अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं अपने नगेट्स के स्टफिंग रेडी करने के लिए। इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने वेजी नगेट्स की जो स्टफिंग है वो रेडी कर ली है। तो अभी हम इसके नगेट्स बनाना शुरू करते हैं। जो भी आपको शेप पसंद है बना सकते हैं, तो मोस्टली बच्चों को यही शेप अच्छी लगती है। तो मैं सर्कल शेप में इस तरह के इसी साइज़ के बनाऊंगी, बिल्कुल इसी साइज़ के, और फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखें सारे वेजी नगेट्स रेडी हैं। तो उधर मैंने ऑयल जो ऑलरेडी होट करने के लिए रख दिया हुआ था, तभी हम इनकी फ्राई शुरू। यहाँ पे देखिए ऑयल जो है होट है, तो इसमें हम नगेट्स जो है वन बाय वन डाल देते हैं और इनको हम एक साइड को गोल्डन होने तक कुक करेंगे, और फिर उसको फ्लिप ओवर करेंगे, फिर हम दूसरी साइड से करेंगे। यहाँ पे देखिए एक साइड पे अच्छे गोल्डन हो गए हैं, तो इसको फ्लिप ओवर कर लेते हैं हम। इसको मैं 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम बिल्कुल इसको फ्राई होने दिए, तभी हम सबको फ्लिप ओवर कर लेते हैं दूसरी साइड पे। हम 2 से 3 मिनट तक करते हैं जब तक ये गोल्डन होते हैं, तो फिर हम इसको निकालते हैं। देखिए इन पे नगेट्स पे कितना नाइस कलर आ गया, तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं और बहुत ही मज़े के रेडी हुए। बाकी के मैं फ्राई करके आपको फिर सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें कितने मज़े के हमारे जो वेजी नगेट्स है रेडी हैं, और कि खाने में बहुत ही मज़े के हैं, पता भी नहीं चलता। आप ही प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने वेजिटेबल नगेट्स को सर्व कर लिया, बहुत ही मज़े के बने हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इसको बच्चों को लंच में बनाते के दे सकते हैं, टी टाइम स्पेशल स्नैक के लिए भी आप बना सकते हैं। इसको कैचअप के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की। देखिए मैंने वेजिटेबल नगेट्स को सर्व कर लिया है, बहुत ही मज़े के बने हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी और बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे
तो प्लीज़ लाइक शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फॉर्म में याद रखिएगा। अल्लाह।